विरेन मिश्रा, वेलकम टू डेमोक्रेसी स्पीक्स। आज हम जाएंगे हमारे देश के यंगस्टर्स के बीच में और जानेंगे उनसे कि क्या वो ये सोचते हैं कि हमारे भारत सरकार जो हमारे देश में वुमेन प्रोटेक्शन के लिए काम करती है वो सचमुच कर रही है या नहीं। सो कम ऑन, फॉलो मी। हमारे देश में जो सरकार है, भारत सरकार, वो हमारे देश के वुमेन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। जी हाँ, बट हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है, इट्स अपॉन पीपल एज वेल, राइट। मतलब आप लोगों के माइंड के ऊपर होता है, मतलब अगर लोगों की माइंड ही गंदी है तो वुमेन कैसे सेफ रहेंगे। मतलब अगर मैं छोटे कपड़े पहनूँ, मैं मेरे खुद के लिए पहनती हूँ, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो अगर लोग रॉन्ग देखेंगे तो रॉन्ग ही होगा। इफ़ मतलब अगर कोई और उसको देखे ही नहीं कि हाँ ये तो खुद के लिए तैयार हो रही है, तो कुछ होगा ही नहीं। गवर्नमेंट है थोड़ी कम, मतलब कम सिक्योरिटी देने में है थोड़ा कम, बट अभी तो इनका कहना है कि टोटली गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये सही नहीं है, लोगों की जो मानसिकता है उस पर भी बहुत ही बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे देश में लड़कियों को, वुमेन्स को सिक्योरिटी देने में कामयाब हुई है या अभी भी कुछ कसर बाकी है? अभी बाकी है थोड़ा, मतलब किया है अप्लाई, बट फिर भी थोड़ा जो लोगों की सोच नहीं बढ़ती है ना, गवर्नमेंट कितना करेगी कर करके भी, पॉलिसी निकालेगी या सिक्योरिटी देगी, पुलिस मतलब फोर्स अपना बढ़ाएगी, वो लोग सिक्योरिटी देगी, बट हमारी भी सोच बढ़नी चाहिए ना, बदलनी चाहिए कि वुमेन्स को दे सिक्योरिटी। लोगों का यही कहना है कि जो सोच है उस पर गौर करना चाहिए, सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। यार कोई मिल नहीं रहा है आज, कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, किसी को बोलना ही नहीं है कि टॉपिक पे। भाई तू रिकॉर्ड बंद कर उसको। आपको क्या लगता है, जो हमारे देश की सरकार है वो हमारे देश में लड़कियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कामयाब हुई है या अभी भी कोई कसर बाकी है? नहीं, वो कर रही है, बट उतना वो नहीं हो रहा है कि अगर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तो उसका कुछ इफ़ेक्ट बहुत आ रहा है, बट उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। क्योंकि रात में ट्रेन में ट्रैवल करना, या वो अभी भी पुलिस प्रोवाइड कर रही है कि वो रहे ट्रेन में, बट कभी कभी वो नहीं हो पा रहा है, कि वो कभी कभी लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता है रात को लेट तक आना घर पे, या कहीं बाहर जाके वो सेफली घूम नहीं सकते अभी भी, कहीं कहीं जगह पर वो लोग ऐसे एरिया में भी नहीं जा सकते कि जहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, कि वो नहीं वो हो सकता है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो मतलब बॉयज़ लोग इतने कंफर्टेबली फील नहीं करवाते, या वो लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिससे गर्ल्स या सिक्योरली घूम नहीं सकते, या उन लोग को क्या उतना खुद का प्राइवेसी नहीं मिलता है कि मतलब जहाँ पे देखो कोई ना कोई होता है। ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जहाँ पर हम एक तरफ महिला को देवी का दर्जा देते हैं, वहाँ पे एक तरफ हम इस तरह लड़कियों को ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बैड थिंग। लोगों की सोच में बदलाव की ज़रूरत है, सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सरकार को आवश्यकता है कि और कुछ कड़ी नीतियाँ अपनाएं। थैंक्स अ लॉट। जब हम इस वीडियो पे शूट कर रहे थे लोकेशन पर, तब हमने सोचा कि हम सिर्फ लड़कियों से इस बारे में सवाल करेंगे। जब हमने उनसे खुद कन्फ्रंट किया, उनसे सवाल किया, तो वो सब इस मुद्दे पे बोलने के लिए नहीं आ रही थी आगे। ये कहीं ना कहीं डर और झिझक की वजह से होता है। और जब इस बारे में मेरे कुछ दोस्तों को पता चला, तो उन्होंने खुद अपना वीडियो एक सेल्फी मोड पे बना के मुझे भेजा, मुझे इस मोमेंट में सपोर्ट करने के लिए। आप प्लीज़ उनके वीडियोज़ भी देखिए। आई वुड रादर आंसर दिस क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन अवर कंट्री, ऑल्दो देयर आर वेरियस लॉज but they're not implemented properly. The basic mentality in our country of the men is that women are looked upon to male sexual objects. Men think that the woman is up to only household chores and upbringing of the children. Whenever a woman is sexually abused, aspirations are raised on her character. I personally feel that we should change our mentality towards women. A lot of women face various obstacles and they are never helped out. Hey everyone. I think it is that it is the government who is blamed for not getting enough security for girls. But it is not so. The government is trying its best to provide security for girls. It is actually the mentality and thinking of the people and the society. It is the worst mentality of the society. It's the worstest mentality of the society who is not even letting the girl child to get birth. Many people think that it is the boys who will stay with the parents throughout their life. But it is not so. Even the girls respect their parents a lot. लड़कों ने हमेशा लड़कियों का विरोध किया है,
मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इस मूवमेंट में सपोर्ट किया है, लड़कियों को सपोर्ट किया है, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं। प्लीज़ आप उनके वीडियोस भी एक बार देखिए, उनके व्यूज़ को भी आप जानिए। हाय एवरीवन, आज मैं यहाँ आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ, जो कि है गर्ल्स प्रोटेक्शन। आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके, लेकिन क्या सच में हमारे देश की जो गर्ल्स है, जो लड़कियाँ, वो आज़ाद है? उन्हें भी उतनी फ्रीडम है जितनी एक बॉयज को है? जरा आप ये खुद से पूछ के देखिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जितनी फ्रीडम एक लड़के को है उतनी फ्रीडम एक गर्ल्स को भी है। आप सभी को निर्भया केस तो याद ही होगा, और क्या हुआ था उसमें ये भी पता होगा। क्या ये सब जिसने किया था वो इंसान ही थे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान थे, क्योंकि इंसान ऐसी हरकतें नहीं करते। लेकिन इन सब से क्या लोगों ने कुछ सीखा? आप गूगल पे जाइए और चेक करिए, जनवरी 2017 से लेके जनवरी मई 2018 तक 780 केस रजिस्टर होते हैं, और हर साल 250 टू 300 एसी केस रजिस्टर होते हैं इंडिया में। हम हर चीज के लिए तो गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें भी हमारे देश के लिए करना चाहिए। अगर हम आज से ये कसम खा लें, सड़क पे चलती हर एक लड़की को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है, तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेंस कम हो सकता है, और इंडिया एक ऐसा देश बन सकता है जहाँ पे गर्ल्स बिना कोई डर के साथ रह सकते। जय हिंद, जय भारत। तेरे को पढ़ने का कोई हक नहीं है, तू घर पे बैठ के सिर्फ काम करेगी, तू पढ़ाई नहीं करेगी। जब तेरी उम्र हो जाएगी ना 10 या 12 साल, तेरी शादी कर देंगे। अब वो दिन चले गए, वो दिन अब है ही नहीं। इंडिया जो है वो 10-12 साल में बहुत बदल चुका है, और आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है औरतों के लिए। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को देखोगे तो हर फील्ड के अंदर औरतें जो है वो इन आदमी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी भी ना जो कुछ औरतें जो है, कुछ लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी नहीं बनाई, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट औरतों के लिए कुछ करता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपसे भी गंदे सिचुएशन में से कुछ औरतें निकल कर आगे बढ़ चुकी है, और आप जो है वो बैठ के अभी भी कंप्लेन ही कर रहे हो। कमी जो है ना वो उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में नहीं है, कमी जो है वो एक्चुअली आपके सोच में है। आपकी सोच को एक्सपांड करो, अगर आप देख सकते हो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए। एक औरत जो है वो एक बीवी है, वो एक पत्नी है, वो एक बेटी है, वो किसी की बहन है, वो किसी की माँ है। और जब ये पांचों उंगलियां मिलके साथ में आ जाएगी ना, तो एक औरत कैसे क्या नहीं कर सकेगी, आप मेरे को बताओ। तो गवर्नमेंट को दोष देना बंद कर दो और अपने काम पे फोकस करो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी का भारत, ये वो सदी है जहाँ लड़की घर के चार दीवारों में कैद नहीं रहेगी, ऊंचे आसमानों में उड़ेगी। हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश में लड़की रानी लक्ष्मीबाई भी बन चुकी है, सुल्ताना रजिया भी बन चुकी है। हमारे देश की लड़कियों ने जहाँ ओलंपिक्स में झंडा फहराया भारत का, वहाँ अंतरिक्ष में भी भारत का झंडा फहराया है। इट्स टाइम फॉर चेंज, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लेट्स मेक स्ट्रॉन्ग दिस मूवमेंट, थैंक्स अ लॉट।